नांदेड शहरात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने नागरिकांना भीतीचे वातावरण झाले आहे. ऑल इंडिया तंजिबे इन्साफ या संघटनेने घरोघरी जाऊन कोरोनाची भीती दूर करण्याचं काम करत आहे. आतापर्यंत 30,000 नागरिकांची स्क्रीनिंग व ऑक्सिजन लेवलची तपासणी करण्याचं काम या संघटनेमार्फत करण्यात आलं. जिल्हाध्यक्ष अब्दुल बशीर माजिद, मोहम्मद अजरुद्दीन, मोईन कुरेशी, आमिर अर्शिद, कायनात फिरदोस, सय्यदा महबीन, सबा अंजुम यांनी या उपक्रमास परिश्रम घेतले. मागच्या 20 दिवसापासून आम्ही COVID-19 जनजागरण मोहीम चालवित आहोत ऑल इंडिया तंजिमे इन्साफ आणि मायनॉरिटी डॉक्टर असोसिएशनतर्फे. आणि आमचा उद्देश फक्त इतकंच आहे की जे कोरोना व्हायरस COVID-19 जे लोकांमध्ये जे भीती आहे ते आम्हाला दूर करायची आहे. आणि ह्या मागच्या 7 जे आमचे कॅम्पेन झाले ते 7 वेगवेगळ्या एरियामध्ये आम्ही काम केले. तिथं आम्हाला जे लोकांचा रिस्पॉन्स मिळालेला आहे त्यात आम्हाला असं वाटतं की आम्ही जे लोकांमध्ये जी भीती आहे ते दूर करण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत. आणि अजून आमचे 15 कॅम्प्स आमचं जे उद्देश आहे करायचं शहराच्या विविध भागात ते आम्ही करणार आहोत. आणि ऑल इंडिया तंजिमे इन्साफ आणि मायनॉरिटी डॉक्टर असोसिएशनतर्फे हे असेच जे उपक्रम आहे हे COVID-19 पेंडेमिकमध्ये हे आम्ही चालू ठेवणार आहोत. ऑल इंडिया तंजिमे इन्साफ मायनॉरिटी डॉक्टर असोसिएशन की जानिब से हमारा ये 7वां कैंपेन है. हम लगातार 20 दिन से ये कैंप चला कर रहे हैं और हमने धनेगांव से अपनी शुरुआत की थी. उसके बाद हमने ईदगाह चौरस्ता, बिलाल नगर और इस्लामपुरा ऐसे इलाकों में हमारे कैंप लगाए हैं. तो जहाँ और हमारा आज का प्रोग्राम हताई चौरस्ते पे था जहाँ हमने घर घर जाकर स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर से पल्स रेट चेक किए और यहाँ के लोगों का रिस्पांस वैसा ही है जैसे हमने अभी तक देखा है लोगों में. इंशाल्लाह हमारा ये कैंप आगे तक और अलग अलग इलाकों में रहेगा. तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही हम अपील करना चाहेंगे कि वो जो ये कोरोना वायरस से डर के अपनी चेकअप नहीं करा रहे, हम आपके पास वही जो डर रहे दूर करने के लिए आपके घर के पास आ रहे, तो हमारा साथ दें. और ये जो कोरोना वायरस है इसे हमें नांदेड़ को हमारे क्लीन करना है हमें, तो वही हमारा उनसे गुजारिश है कि वो भी हमारा साथ दें जैसे हम लोग आपके पास आ रहे हैं. ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ और माइनॉरिटीज डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से पिछले कई दिनों से हमारा ये COVID-19 का अवेयरनेस और बॉडी टेम्परेचर एंड ऑक्सीमीटर के ज़रिए बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसकी जांच का काम जारी है. पिछले कई दिनों से हम कई इलाकों में इसके लिए विज़िट किए हैं, अवेयरनेस कैंपेन लिए हैं. और उसके अलावा जो अगर किसी में कोई बॉडी टेम्परेचर या उनका बॉडी ऑक्सीजन लेवल को लेकर कोई निगेटिव बात आती है तो उसके लिए उपचार दिया गया है. और हमें अभी उम्मीद है कि हम आइंदा दिनों में भी इसी तरह से अलग अलग इलाकों में जाकर मजीद इस टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे. जैसे कि अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई हुई है, उस अनलॉक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए हम लोग ने एक एम बनाया है कि हम घर घर जाकर इनिशियल सिम्टम्स को ढूंढकर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए इस अनलॉक जो प्रोसीजर है उसको बेहतर ढंग से होने में मदद करेंगे. आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ और माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हताई चौरस्ता पर लिया गया है, जिसमें लोगों की स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस दोनों किया गया है, या तो एक चेकअप भी किया गया है और दूसरा बेदारी भी लिए है. आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 से ज़ायद पेशेंट आज हताई इलाके में हमने कर लिए है और लोगों ने भी बहुत अच्छा सा सपोर्ट किया है और बहुत बढ़िया तरीके से ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ और माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन काम कर रही है. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी कामयाब तरीके से हम और काम करेंगे.